अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। अभी जिससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने डिस्कस की थी इस चैप्टर की थ्योरी। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर कुछ फार्मूलाए हैं जो कि हमने थ्योरी जब पढ़ी थी तो उस वक्त पढ़े थे, वो सारे यहाँ पर नोट डाउन कर दिए ताकि प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें आसानी हो। तो सबसे पहला फार्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सीक्वेंस वाइज से लिखा हुआ है। सबसे पहला फार्मूला जो था वो टाइम पीरियड के लिए था, और टाइम पीरियड किसका? सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए जो फार्मूला है वो क्या है? टी इज इक्वल्स टू 2π अंडर रूट एल अपॉन जी। इसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसी फार्मूले का इन्वर्स हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? 1/2π और अंडर रूट जी अपॉन एल, इसी का इन्वर्स। ठीक है, इसके बाद फिर हमने बात की टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड के लिए अगर हम देखें किसके? स्प्रिंग के। पहले हमने किसकी बात की? सिंपल पेंडुलम की। अब हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग के लिए। तो स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड क्या होगा? टी इज इक्वल्स टू 2π अंडर रूट एम अपॉन के। इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग के लिए। तो स्प्रिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/2π अंडर रूट के अपॉन एम। फिर इसके बाद अब फ्रीक्वेंसी का जो कॉमन फार्मूला है जो यूज़ होता है वो क्या था? एफ इज इक्वल्स टू 1/T, और अक्सर जगहों पर हम इसको क्या करते हैं? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइड बाय टाइम, या तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ वेव्स जनरेटेड इन 1 सेकंड, ये भी लेते हैं। तो जब न्यूमेरिकल्स हम करेंगे आगे फर्दर तो इनकी हम मज़ीद बात करेंगे। इसके बाद लास्ट जो फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है वो किसके बारे में? वेव वेलोसिटी के बारे में, जो कि क्या था? वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब यहाँ तक हमने फार्मूले की बात की, अब हम बात कर रहे हैं इसके न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स में सबसे पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे नोट डाउन हुआ है, तो सबसे फर्स्ट को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज 0.1 नैनोमीटर। एक वेव है जिसकी वेवलेंथ दे दी गई है 0.1 नैनोमीटर। 0.1 नैनोमीटर यहाँ पर वेवलेंथ है किसकी? वेव की। अब ये जो वेवलेंथ है ये नैनोमीटर में, हमारा जो SI यूनिट है वो क्या है? वो मीटर। तो नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस कंप्लीट वैल्यू को जो भी दी हुई है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10^-9 से, क्योंकि नैनो मीन्स 9, एक्सपोनेंट विल बी 9, तो 10^-9 इससे हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो चुका है 0.1 × −9 मीटर। अब इसके बाद आगे लिखा हुआ है इट्स स्पीड इज 3 × 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो स्पीड दी हुई है उस वेव की वो 3 × 8 मीटर पर सेकेंड है, जिसको हमने यहाँ पर गिवन में नोट डाउन कर दिया। वी यहाँ पर स्पीड का सिंबल है। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है वेव की जो कि हमारे पास दी गई है। लैम्डा दिया हुआ है यानी कि वेवलेंथ दी हुई है, स्पीड दी हुई है, और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो इन तीनों चीज़ों को देखते हुए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है, सेकंड लास्ट फार्मूला क्या था यहाँ पे? वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ये हमने सेकंड लास्ट फार्मूला डिस्कस किया था जब हमने थ्योरी पढ़ी थी, और यहाँ पर भी मैंने इसको डिस्कस किया है। ठीक है, लास्ट फार्मूला। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसमें हमने वैल्यूज पुट की तो v की वैल्यू 3 × 8 थी, एज इट इज आ गई। इसके बाद फिर f भी एज इट इज आ गया, और उसके साथ यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू थी वो हमने वो वैल्यू नोट डाउन की है जो कि हमने निकाली है अभी कन्वर्ट करके, तो उस वैल्यू को भी यहाँ पर लिख दिया गया। अब इसके बाद इन द सेम मैनर इट इज़ इन मल्टीप्लाई सो इट विल बी डिवाइडिंग ऑन द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड पर इसने क्या किया? इस वैल्यू को डिवाइड किया। अब डिवाइड अगर सिंपल कैलकुलेटर से किया जाएगा तो आप पहले क्या करेंगे? 3 को 0.1 से डिवाइड करेंगे। तो 3 को 0.1 से जब डिवाइड किया जाएगा तो आंसर आया 30। एक्सपोनेंट्स सेम थे तो इनके ऊपर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इधर भी 10 था, इधर भी 10 था, तो ये ऊपर जाके −9 से +9 हो गया। अब ये 8 और 9 प्लस होंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 17 आ गया। इसके बाद अब इसको भी आप आंसर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इट और आप इसको फर्स्ट डिजिट के पास लेकर आना चाहते हैं पॉइंट को, तो हम क्या करेंगे? इसको शिफ्ट करेंगे। तो एक डिजिट पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, यानी जो जीरो के बाद था अगर पॉइंट मौजूद नहीं होता तो हम कंसीडर करते हैं कि वो लास्ट में बिल्कुल मौजूद है। तो यहाँ से जब एक डिजिट शिफ्ट होगा फर्स्ट डिजिट के पास लेकर आएंगे
तो यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट इंक्रीज हो जाएगा, यानी पावर 17 से 18 हो जाएगी, क्योंकि जब भी पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करवाया जाता है तो पावर इंक्रीज हो जाती है, और यही चीज़ अगर हमें इसे राइट पे मूव करवा के करनी होती तो पावर डिक्रीज होती। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ चुकी है 3 एक्सपोनेंट 18 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। इसके बाद आगे हमने इसका रिजल्ट नोट डाउन कर दिया जैसा कि क्वेश्चन में वर्डिंग दी हुई थी। यहाँ तक प्रॉब्लम नंबर 1 एंड हो चुकी है। अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 की। प्रॉब्लम नंबर 2 नाउ। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? अ ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट्स 256 टाइम्स ईच सेकेंड। एक ट्यूनिंग फोक है जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है थ्योरी में, तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि ट्यूनिंग फोक क्या होता है कि ये सिंगल वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए, या हम कह सकते हैं सिंगल फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ट्यूनिंग फोक दिया हुआ है, उसकी वाइब्रेशन 256 टाइम है ईच सेकेंड। इसका मतलब कि वो 256 वाइब्रेशन कर रहा है हर एक सेकेंड में। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन वन सेकेंड या ईच सेकेंड, ये क्या था? ये थी फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी जा रही है डायरेक्टली 256 टाइम्स ईच सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में वो 256 टाइम्स वाइब्रेट कर रहा है। तो ये डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी दी गई है, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो वाइब्रेशन पर सेकेंड है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? वाइब्रेट्स, और ये था सेकंड। तो वाइब्रेशन पर सेकंड यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है इस यूनिट में। इसके बाद आगे लिखा है एंड प्रोड्यूसेस अ वेव 1.3 मीटर लॉन्ग। एक वेव जनरेट कर रहा है जिसकी वेवलेंथ 1.3 मीटर है। कैलकुलेट, ए में लिखा हुआ है द पीरियड, पीरियड मीन्स टाइम पीरियड, और बी में लिखा हुआ है द वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो जो वेव जनरेट हो रही है उसके लिए हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, और साथ में क्या करना है? टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो ए बी पार्ट करके दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने ए बी पार्ट करके इसको मेंशन कर दिया। टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हम वैसे जो फॉर्मूला यहाँ पर लेंगे वो इस फ्रीक्वेंसी से आएगा। इस फ्रीक्वेंसी से फॉर्मूला कैसे आएगा? यहाँ पर ये है एफ इज इक्वल्स टू 1/T, लेकिन जब ये टी ऊपर जाएगा, यानी ये टी इस तरफ मूव करेगा और ये एफ इस तरफ आएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, टी इज इक्वल्स टू 1/F। तो यहाँ पर टी इज इक्वल्स टू 1/F, ये फार्मूला हमने टाइम पीरियड के लिए यूज़ किया। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो एक ही वैल्यू दी हुई है फिलहाल फ्रिक्वेंसी की, जो कि क्या है? 256 वाइब्रेशन पर सेकेंड। जब इसको हमने पुट किया यहाँ पर एफ की जगह, तो 1 को जब 256 से डिवाइड किया टाइम पीरियड की वैल्यू आई 0.0039 सेकंड। अब ये जो 0.0039 सेकंड्स हैं, इसको हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, यानी आप पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के पास लाना चाह रहे हैं, तो इसको कन्वर्ट भी किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, तो 3.9 एक्सपोनेंट माइनस 3, ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, इट्स अप टू यू। इसके बाद अब वेलोसिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या करना था? हमें टाइम पीरियड फाइंड करना था। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करनी है? वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए वही सेम फॉर्मूला, वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। एफ 256 दिया हुआ है, लैम्डा 1.3 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वेलोसिटी क्या आ गई? 332.8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक हम वेलोसिटी का कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसका रिजल्ट लिखेंगे ए और बी पार्ट करके। तो यहाँ पे हमने इसका रिजल्ट लिखा था, टाइम पीरियड फॉर वाइब्रेशन ऑफ टर्निंग फोक इज 0.0039 सेकंड, और जो बी में क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी फाइंड करनी, तो वेलोसिटी की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी जो कि हमने अभी फाइंड की। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3 में हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? वेवलेंथ्स के बारे में। हमें वेवलेंथ्स फाइंड करनी होंगी, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? अ रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एन एएम रेडियो वेव्स हिज फ्रीक्वेंसी इज 1230 एक्सपोनेंट 3 हर्ट्ज। एक रेडियो स्टेशन है जो क्या कर रहा है? एएम रेडियो वेव्स को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या दी हुई है? 1230 एक्सपोनेंट 3 हर्ट्स। तो ये हमने F1 करके गिवन में लिख दी। इसके बाद आगे लिखा हुआ है एंड एन FM रेडियो
एफएम रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी इज 91.9 एक्सपोनेंट 6 हर्ट्ज। अब यहाँ पे क्या किया हुआ, फ्रिक्वेंसी ऑफ एफएम रेडियो भी दी हुई है, दो फ्रिक्वेंसीज दी हुई है, एक ये वाली है और एक ये वाली। रेडियो स्टेशन से दो तरह की वेव्स ब्रॉडकास्ट हो रही हैं, एक एएम वेव्स और एक एफएम वेव्स। तो एएम रेडियो वेव्स को हमने यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी को एफ1 से इंडिकेट किया और एफएम रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी को हमने एफ2 से इंडिकेट किया जो कि हर्ट्ज में दी हुई थी। इसके बाद आगे लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रस्ट इन ईच वेव। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है हर क्रस्ट के दरमियान का, यानी दोनों वेव्स के क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है। इसका मतलब हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो दोनों वेव्स की वेवलेंथ फाइंड करनी है, एएम वेव्स की भी और एफएम वेव्स की भी। तो इस फर्स्ट की वेवलेंथ को लैम्डा 1 से शो किया और सेकंड की वेवलेंथ को लैम्डा 2 से शो किया। इसके बाद आगे लिखा हुआ द स्पीड ऑफ एएम एंड एफएम रेडियो वेव इज 3 × 10⁻¹⁰ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये क्या दी हुई है, ये स्पीड दी हुई है किसकी, दोनों वेव्स की। एएम के लिए भी स्पीड यही है, एफएम के लिए भी स्पीड यही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसे सिर्फ स्पीड लिखा और इसे सिर्फ वी से इंडिकेट किया, इसे V1 V2 नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही स्पीड दी हुई है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने नोट डाउन कर दी 3 × 10⁻¹⁰। अब यहाँ पर सेंटीमीटर है तो इस सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है किस में, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं डिवाइड बाय 100 या तो फिर मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। सेकंड SI यूनिट ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको मूव करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेंटीमीटर को मूव करवाएंगे मीटर में। कैसे मूव करवाएंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, एक्सपोनेंट में वैल्यू ले रही 10⁻², से इसे मल्टीप्लाई करवा दिया। इफ़ यू वॉन्ट टू डू लाइक दिस इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 100 से। इसके बाद अब बेसिस सेम थी तो पावर्स ऐड होंगी, तो यहाँ पर माइनस था तो 10⁻², 8। तो ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये मीटर पर सेकंड में हमारे पास स्पीड आ चुकी है। पहले सेंटीमीटर पर सेकंड में थी, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन टू SI यूनिट, सो दैट्स वाई वी हैव टेकन इट इन मीटर पर सेकंड। इसके बाद अब दो वेवलेंथ फाइंड करनी थी, एक FM रेडियो की और एक AM रेडियो की। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको मज़ीद सॉल्व किया। तो पहले फॉर्मूला अप्लाई किया वेव वेलोसिटी का, वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। लेकिन पहले लैम्डा 1 फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट वेवलेंथ फाइंड कर रहे हैं, तो v किसके इक्वल है, F1 लैम्डा 1 के इक्वल है। v एज इट इज़, v को V1 V2 नहीं किया क्योंकि वेलोसिटी एक ही थी। अब इसके बाद F1 की वैल्यू पुट करेंगे और v की वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर v की वैल्यू 3 × 8 था और इसके बाद F1 क्या था, 1 × 3 और लैम्डा 1 एज इट इज़। इसके बाद ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसे डिवाइड करेंगे तो 3 को पहले हम, अगर सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो 3 को पहले हम डिवाइड करेंगे 1 × 3 से, तो आंसर क्या आया, 0.0024। इसके बाद ये एक्सपोनेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। माइनस क्यों होंगे, क्योंकि इनकी बेसिस सेम है। तो 10 यहाँ पर प्लस में था, ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो गई, तो 8 − 3 क्या आ गया, 5 आ गया। इसके बाद अब यहाँ पर भी हम इसको छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर कंसीडर किया जा सकता है। बट इफ़ यू वांट टू मूव द पॉइंट, अगर आप पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद लाना चाहते हैं तो यू हैव टू मूव इट ऑन द राइट साइड। तो इसको हम राइट साइड पे जब मूव करवाएंगे तो ये कितने डिजिट मूव कर रहा है, 3 डिजिट, 1, 2, 3। तो 2.4 वैल्यू हो गई, लेकिन जब राइट पे जाता है तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो सब्ट्रैक्ट हो रही है यानी कि वो क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। 5 में से हमने क्या किया, 3 को सब्ट्रैक्ट किया, तो 3 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, इसकी पावर क्या आ गई, 2 आ गई। तो 2.4 × 2 मीटर ये वेवलेंथ आ गई किसकी, AM रेडियो की। अब इसके बाद यहाँ पर भी इसको छोड़ा जा सकता है, इधर भी, और बाकी आप अगर आगे कंटिन्यू करें तो यहाँ तक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करेंगे, लैम्डा 2। लैम्डा 2 क्या था, FM वेव्स की फ्रिक्वेंसी थी, तो सॉरी FM वेव्स की वेवलेंथ थी।
तो वेवलेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल्स टू एफ टू लैमडा टू। इसमें अब वैल्यूज पुट की जाएंगी, उसी तरह यहाँ पर भी वेलोसिटी दी हुई है और एफ टू दिया हुआ है और हमें लैमडा टू फाइंड करना है। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इन द सेम मैनर 3 विल बी डिवाइडेड बाय 91.9, तो आंसर क्या आ गया, 0.0326। इसके बाद यहाँ पर उसी तरह 8 माइनस 6 किया तो क्या आ गया, 2। इसको यहाँ पर भी आंसर कंसीडर किया जा सकता है, बट इफ़ यू वांट टू सॉल्व इट फर्दर तो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करके फर्स्ट डिजिट के पास लेकर आएंगे। तो ये पॉइंट कितने डिजिट मूव कर रहा है, 2 डिजिट मूव कर रहा है। तो 2 डिजिट पॉइंट को मूव करवाया तो 3.26, और एक्सपोनेंट क्या था, 2 था, लेकिन क्योंकि हमने 2 डिजिट मूव करवाया तो 2 को यहाँ पर माइनस करेंगे। फिर 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 10 पावर 0, और 10 पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, जिसकी वजह से इसका एक्सपोनेंट ख़त्म हो चुका है। तो 3.26 ये हमारे पास वेवलेंथ है किसकी, एफएम रेडियो की। अब यहाँ पर ये किस में आ गई, मीटर्स में, एसआई यूनिट में। अब आगे हमने रिजल्ट लिखा क्वेश्चन की वर्डिंग के लिहाज से कि दोनों की वेवलेंथ जो आई हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। अब हम मूव करेंगे अपनी प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। तो 4 में हमें क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। लेंथ दे दी गई है सिंपल पेंडुलम की। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ इज 144 सेंटीमीटर। ये सवाल दिया हुआ है, तो सवाल से हमें सिर्फ लेंथ मालूम हो रही है जो कि 144 सेंटीमीटर दी हुई है, लेकिन ये किस में है, सेंटीमीटर में। तो उसी तरह हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसआई यूनिट मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, सेम तरीके से डिवाइड करेंगे 100 से, या मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2 भी कर सकते हैं। अगर एक्सपोनेंट्स में वैल्यू दी हुई हो, यानी साइंटिफिक नोटेशन में दी हुई हो, तो बेहतर होता है कि हम अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो जो वैल्यू ले रहे हैं वो भी साइंटिफिक नोटेशन में ही ले लें। लेकिन अगर एक्सपोनेंट में नहीं दिया हुआ तो हम इसे सिंपल डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एक्सपोनेंट में नहीं था, तो हमने इसे क्या किया, 144 को 100 से डिवाइड किया टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर, टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 100 से डिवाइड किया तो 1.44 मीटर आ गया। तो ये लेंथ आ चुकी है मीटर्स में। अब टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल्स टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इस फॉर्मूले को हमने यूज़ किया, ये सिंपल पेंडुलम के लिए है, जो कि यहाँ पर हमने इसे नोट डाउन भी किया हुआ है। अगर स्प्रिंग के लिए कहा जाता तो स्प्रिंग के लिए ये फॉर्मूला लगना था। तो इस फॉर्मूले को हमने यूज़ किया। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज़ कैसे पुट होंगी, यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 है, और 2 एज इट इज़, टी भी एज इट इज़। एल की वैल्यू 1.44 है, और जी की वैल्यू 9.8 है। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी जो कि हमारे पास गिवन थी। अब 1.44 को हम डिवाइड करेंगे 9.8 से, और उसी वक्त इसका रूट ले लिया जाएगा, तो आंसर आ गया 0.38। इस 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.28। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, जो टाइम पीरियड आ रहा है सिंपल पेंडुलम का वो 2.38 सेकेंड्स है। सेकेंड ऐसा ही यूनिट था, तो इस वजह से यहाँ पे हमने इसे सेकेंड में लिया। इसी तरह आप इसका भी रिजल्ट नोट डाउन करेंगे, तो रिजल्ट क्या आ गया, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2.38 सेकेंड। पॉइंट में माइनर डिफरेंस है, बुक में जो आंसर है वो 2.41 है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि उन्होंने ज़्यादा वैल्यूज ली हों और हमने 2 डिजिट लिए, इसकी वजह से थोड़ी बहुत वेरिएशन है, बट इट विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल। अब हम मूव करेंगे अपनी प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 5 में भी हमें टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए कहा गया है, लेकिन अब बात हो रही है स्प्रिंग की। तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं ताकि आगे सॉल्व करने में आसानी हो। अ बॉडी ऑफ मास 0.3 kg, क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है बॉडी का, जिसका मास क्या है, 0.3 kg है। उसके बाद लिखा, इज अटैच टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, एक स्प्रिंग से उसको अटैच कर दिया गया है। इफ़ द वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज 5 न्यूटन पर मीटर, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू दी हुई है 5 न्यूटन पर मीटर, और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट को हम शो करते हैं के से। इसके बाद आगे लिखा हुआ, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी इफ इट इज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है जिसको हमने टी से शो किया और रिक्वायर्ड भी मैंशन किया।
कह रहे हैं कि इस टाइम पीरियड फाइंड कीजिए जब उसको थोड़ा डिस्प्लेस करवाया जा रहा है, तो उस डिस्प्लेसमेंट का हमें टाइम फाइंड करना है। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे टाइम पीरियड फाइंड करना था सिंपल पेंडुलम का, तो इसी तरह हम फाइंड करेंगे स्प्रिंग का। लेकिन स्प्रिंग के लिए जो फॉर्मूला है वो ये वाला यूज़ होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम वैल्यूज पुट करके अभी आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर अब क्या होगा, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट m अपॉन k। वैल्यूज पुट करेंगे तो t एज इट इज आ गया, 2 भी एज इट इज, पाई की जगह 3.14 और m की जगह उसका मास 0.3 और k की जगह 5 उसकी वैल्यू। अब इसके बाद इसी तरह 0.3 और 5 को डिवाइड किया, इसका रूट निकाला तो क्या आ गया 0.24। इस 0.24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 से, तो आंसर क्या आ गया 1.50 सेकंड। ये आ गई टी की वैल्यू, अब इसे हमने रिजल्ट में मेंशन कर दिया। प्रॉब्लम नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। अ पीस ऑफ पेपर कंप्लीट्स 50 वाइब्रेशंस इन 5 सेकंड। एक पीस ऑफ पेपर है यानी एक पेपर का टुकड़ा है जो क्या कर रहा है, 50 वाइब्रेशंस कर रहा है 5 सेकंड में। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस दे दी गई हैं जिनको हमने n से शो किया है जो कि 50 हैं। इसका कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी हैज़ नो यूनिट। तो इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, इन 5 सेकंड। तो 5 सेकंड यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पर टाइम हमने इसे मेंशन कर दिया, टी दिया हुआ है। ये टाइम पीरियड नहीं है, ये टाइम है। टाइम पीरियड तब होता जब फ्रिक्वेंसी दी हुई होती नंबर ऑफ वाइब्रेशंस की जगह, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस दी हुई है इसका मतलब जो टाइम दिया हुआ है ये सिर्फ टाइम है, ये टाइम पीरियड नहीं है। व्हेन सम वेव्स पास थ्रू द सरफेस ऑफ वाटर, अब आगे क्या लिखा हुआ है कि कुछ वेव्स पास हो रही हैं वाटर की सरफेस से, तो आगे लिखा हुआ है फाइंड द टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीस ऑफ पेपर। सबसे पहले हमें क्या करना है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो ये रिक्वायर्ड में हमने दोनों चीज़ें मेंशन कर दी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आगे लिखा हुआ है इफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 10 सेंटीमीटर, तो वेवलेंथ दे दी गई है उस वेव की जो कि इसमें बन रही है वाटर की सरफेस पे बन रही है, तो वेवलेंथ 10 सेंटीमीटर दी हुई है। इन द सेम मैनर सेंटीमीटर विल बी कन्वर्टेड इनटू मीटर, कैसे कन्वर्ट होगा, उसी तरीके से डिवाइड बाय 100 या मल्टीप्लाई बाय 10^-2। तो 10 सेंटीमीटर किस में जाएगा, मीटर में। तो मीटर में जब हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.1। तो 0.1 मीटर वेवलेंथ आ गई है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेलोसिटी यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर में भी लेके सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसा यूनिट कोई भी नहीं दिया हुआ, तो इस लिहाज से, लेकिन यहाँ पर मीटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आगे क्या करेंगे, तीन चीज़ें हमें फाइंड करनी है, तो तीनों चीज़ों को फाइंड करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, सबसे पहले जो गिवन के लिहाज से फाइंड किया जा सकता है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे और फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के बाद हम फाइंड करेंगे टाइम पीरियड, और जब टाइम पीरियड आ जाएगा तो फिर आखिर में हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पे अगर गौर करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जनरेटेड इन 1 सेकंड। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन के लिहाज से इसका जो फॉर्मूला बनता है वो है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइड बाय टाइम। तो ये इसका फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास गिवन है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। अगर हम इसको 1/T इससे करें तो यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ, जिसकी वजह से ये फार्मूला इस पर एप्लीकेबल नहीं है। तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया, f इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइड बाय टाइम। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 50 दी हुई हैं, टाइम 5 सेकेंड दिया हुआ है, तो 50 डिवाइड बाय 5 डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया 10 हर्ट्ज़। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। नाउ वी हैव टू फाइंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है 1/f। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे f की, तो f अभी हमने निकाला है 10।
इसको यहाँ पर पुट किया तो 1 को 10 से डिवाइड किया तो इट विल बी 0.1 सेकंड। टाइम पीरियड भी आ चुका है। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए सेम वही फॉर्मूला वेव वेलोसिटी का, वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। इसमें हमने वैल्यूज पुट की तो एफ की वैल्यू 10 है, लैम्डा की वैल्यू 0.1 है, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर फाइंड हो चुकी हैं। अब इसके बाद हमने रिजल्ट में ये तीनों चीज़ें नोट कर दी। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए वैसे जो फॉर्मूला है यहाँ पर वो एफ इज इक्वल्स टू 1/T है, लेकिन ये यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड नहीं दिया वो। और अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम देखें तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 1/F है, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी भी नहीं दी हुई। तो इस वजह से सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, और फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें दी हुई हैं, एक नंबर ऑफ वाइब्रेशन और एक टाइम। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पर गौर करें तो इसकी डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जनरेटेड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जो वाइब्रेशन जनरेट होती हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहा जा रहा था। तो इसके अगर हम डेफिनेशन से फॉर्मूला निकालें तो वो फॉर्मूला क्या निकलेगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइड बाय टाइम। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को हमने टाइम से डिवाइड किया तो क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस यहाँ पे दी हुई हैं 50 और टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 5 सेकेंड। अब इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो वैल्यूज़ पुट करके डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 50 हैं और टाइम 5 है, दोनों को डिवाइड किया तो क्या आ गया 10 हर्ट्ज़। तो 10 हर्ट्ज़ हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/F, क्योंकि अब फ्रीक्वेंसी आ चुकी है तो टाइम पीरियड आसानी से फाइंड हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट की, 1 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.1 सेकेंड। तो टाइम पीरियड फाइंड हो चुका है। अब लास्ट चीज़ फाइंड की जाएगी, वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी है तो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला एफ लैम्डा है। तो इसमें अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, एफ की वैल्यू 10 है, लैम्डा की वैल्यू 0.1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो 1 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर वेलोसिटी है किसकी, वेव की, जो जनरेट हो रही है वाटर में। अब इसी तरीके से यहाँ पर हमने इसका रिजल्ट नोट डाउन करना है। तो तीनों चीज़ें जो कि हमने फाइंड की हैं, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी और वेलोसिटी, ये तीनों यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं, 40 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑन दिस। स्टॉप करूँ या फिर वैसे ही कर दूँ स्टार्ट, कर जाएगा ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 7 में लिखा हुआ है, 40 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड इन 2 सेकेंड। 40 वेव्स दी हुई हैं, यानी नंबर ऑफ वेव्स दी हुई हैं, तो इनको भी हम एन से शो करेंगे। 40 यहाँ पर सेकेंड नहीं आएगा, ये सिर्फ 40 हैं, ठीक है। तो 40 क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि ये क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी का कोई यूनिट नहीं होता, तो सिर्फ 40 वेव्स यहाँ पे दी हुई हैं। कह रहे हैं कि ये पॉन्ड से पास हो रही है, यानी ये तालाब से उसकी सरफेस से पास होती हुई गुजर रही है। तो यहाँ पर यह क्या दिया हुआ है, 40 वेव्स के साथ 2 सेकेंड इसका टाइम भी दे दिया है कि 2 सेकेंड में ये 40 वेव्स ट्रैवल कर रही हैं। आगे लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ फाइंड करनी है जिसको हम लैम्डा से शो कर रहे हैं, और इफ़ द वेलोसिटी ऑफ वेव्स इज 3.5 मीटर पर सेकेंड। 3.5 मीटर पर सेकेंड इन वेव्स की वेलोसिटी दी हुई है, इस वेलोसिटी से ये ट्रैवल कर रही हैं। वेवलेंथ हमें मालूम करनी है, तो वेवलेंथ मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला यही वाला है, वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। लेकिन इस फॉर्मूले के लिहाज से एफ यहाँ पर नहीं दिया हुआ, लैम्डा फाइंड करना है लेकिन एफ भी नहीं है। तो एफ फाइंड करने के लिए सेम वही तरीका जैसे मैंने अभी इससे पहले वाली प्रॉब्लम में करवाया था, कि हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेव्स से नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को टाइम जो दिया हुआ होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। जब उससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे सबसे पहले वेवलेंथ फाइंड करने से। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने यूज़ किया, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम। अगर वेव्स की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो वहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टाइम होगा, लेकिन अगर वाइब्रेशंस की बात हो रही है तो यहाँ पर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइड बाय टाइम होगा।
तो इसके बाद हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास दी हुई है 40, टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड, तो 40 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 20 हर्ट्स. 20 हर्ट्स यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ चुकी है. अब फ्रीक्वेंसी जब फाइंड हो चुकी है तो हम उसी तरह वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे और वेव वेलोसिटी के फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट करेंगे जो कि हम फाइंड कर चुके हैं या जो डाटा में दी हुई हैं. तो सबसे पहले v की वैल्यू है 3.5, वो हमने पुट की. f क्या दिया हुआ है 20, वो हमने पुट कर दिया. ये 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा. जब ये डिवाइड होगा 3.5 से तो आंसर आ गया 0.175 मीटर. तो वेवलेंथ यहाँ पर फाइंड हो चुकी है, तो अब इस वेवलेंथ को हम रिजल्ट में शो कर देंगे. तो रिजल्ट लिख दिया, रिजल्ट में क्या मेंशन किया उसी तरीके से जैसे सवाल दिया हुआ था. द वेव लेंथ ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ वेव पासिंग थ्रू पॉन्ड इज 0.175 मीटर. तो यहाँ तक हमारी प्रॉब्लम नंबर 7 हो चुकी है. अब हम अपनी लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं. लास्ट प्रॉब्लम में भी सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमें सिंपल पेंडुलम के लिहाज से लेंथ फाइंड करनी है. ठीक है, तो अब यहाँ पर किया क्या जा रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं. लिखा हुआ है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम टेकिंग जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सेकंड पेंडुलम भी सिंपल पेंडुलम की तरह ही होता है, तो यहाँ पर बस ये फ़र्क होता है कि सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो 1 या कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सेकंड पेंडुलम का होता है वो 2 सेकंड होता है, और सिंपल पेंडुलम का जो होता है वो 1 या कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी हुई है जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में अ सेकेंड पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड्स. यहाँ पर टाइम पीरियड दे दिया गया है, लेकिन इन केस अगर टाइम पीरियड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों ना दिया जाए और सिर्फ ये कहा जाए कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम, तो ये चीज़ कन्फर्म है कि सेकेंड पेंडुलम है तो वहाँ पर टाइम पीरियड 2 सेकंड ही लिया जाएगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं सेम वही वाला जो हमने सिंपल पेंडुलम के लिए यूज़ किया था. फॉर्मूले पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पेंडुलम के चेंज होने से. तो टी इज इक्वल्स टू 2π अंडर रूट एल अपॉन जी, ये फॉर्मूला यहाँ पर हमने यूज़ किया. अब इसमें वैल्यूज पुट की जाएंगी. तो सबसे पहले यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट होगी, पाई की वैल्यू. तो पाई की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है, 3.14 पुट किया. इसके बाद अंडर रूट एल एज इट आ गया और जी की जगह उसकी वैल्यू 9.8. अब ये 2 इस 3.14 से मल्टीप्लाई हुआ तो वैल्यू हो गई 6.28, और अंडर रूट एल अपॉन 9.8 एज इट आ गया. अब ये 6.28 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो 2 से नीचे जाकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा. अब इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल अपॉन 9.8 एज इट इज रहेगा. इस पर अभी फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अब 2 को जब हमने 6.28 से डिवाइड किया तो क्या आया, 0.318, और ये जो रूट वाली वैल्यू थी ये एज इट इज़ आ गई. अब रूट ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड्स पर. तो दोनों साइड पर स्क्वायरिंग करनी, इस पर भी होल स्क्वायर आ गया और इस पूरे रूट पर भी होल स्क्वायर आ गया. अब इसके बाद 0.318 का स्क्वायर किया, यानी इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो 0.101 आया. और इसी तरह यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. अब जब ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, एल अपॉन 9.8. ये 9.8 यहाँ पर डिवाइड में, तो ऊपर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. तो L इज इक्वल्स टू 0.101 मल्टीप्लाई बाय 9.8. अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो L की वैल्यू आ गई 0.98 मीटर. तो लेंथ मालूम हो चुकी है. अब इसका रिजल्ट नोट डाउन कर दिया जाएगा. तो रिजल्ट में हमने वही चीज़ लिख दी जो कि क्वेश्चन में पूछी गई थी, द लेंथ ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम इज 0.98 मीटर. यहाँ तक इस चैप्टर की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी हैं. अब नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर को.